तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों रिसेंटली में UIDAI की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आया है, यानी कि एक नई पोर्टल के लॉन्च किया जिसका नाम है आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। तो दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च करने के मकसद क्या है, इसका क्या फीचर्स है, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाला है। दोस्तों अभी तक हम लोगों को पता है कि आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी काम हम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। लाइक जैसे अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना हो, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना हो, या तो फिर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई लॉक अनलॉक करना हो, दोस्तों इतना सारे काम तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। लेकिन आपके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अपने आधार कार्ड पर एक मोबाइल नंबर के OTP लेके हम इतना सारे जो है ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं काम। तो दोस्तों अभी भी इंडिया में बहुत सारे आधार कार्ड धारी जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है और इन सब कामों से वो वंचित रह जाता है, यानी कि ऑनलाइन कोई भी करेक्शन, आधार कार्ड डाउनलोड करना, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई लॉक अनलॉक करने से वंचित रह जाता है। ये सब आप वो लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि उसके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए UIDAI ने एक नए पोर्टल के लॉन्च किया जिसका नाम है आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। तो दोस्तों अब जो है इन सब लोग भी अपने आधार कार्ड पर ऑनलाइन कोई भी करेक्शन, अपने आधार कार्ड डाउनलोड करना या तो फिर अपने आधार कार्ड वेरीफाई लॉक अनलॉक करना, इन सब काम जो है ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी एक्सप्लेन करने वाला है, पूरी डिटेल्स में बताना है कि इस पोर्टल को आप कैसे यूज करना है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, आगे भी आपको इससे अच्छा अच्छा कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर में आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, एंड गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप कर देना आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल टाइप कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है, एंड सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लिंक देख सकते हो, विजिट ऑथेंटिकेशन पोर्टल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको इसी वाला लिंक पर क्लिक कर देना है, एंड उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल के बारे में पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आपके यहाँ पे हिंदी में पूरे विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमाणीकरण पोर्टल को सभी कलाकृति और अन्य संसाधनों के संदर्भों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी सार्वजनिक निजी अनुरोध करने वाली संस्था अनबोर्डिंग की आसानी प्रक्रिया सक्षम करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो। प्रमाणीकरण पोर्टल जिसे प्रमाणिक पोर्टल भी कहा जाता है निम्नलिखित शामिल है, रिपोर्ट के वर्तमान प्रमाणीकरण हाईलाइट्स वाला डैशबोर्ड जिसमें पिछले 12 महीने के लिए कुल प्रमाणीकरण लेन देन और UIDAI प्रमाणित महावीर शामिल है, UIDAI द्वारा जारी अद्यतन सूचना और अधिसूचनाओं को दर्शाने वाला एक नवीनतम अधिसूचना अनुभाग, सभी UIDAI संदर्भों के लिए लिंक जैसे अनबोर्डिंग दस्तावेज और तकनीकी संदर्भ लाइव संस्था को सूची UAA के UAAS आधार प्रमाणीकरण के लिए गूगल समय अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमुख संपर्कों की सूची। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके सुनाया, तो दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च करने के मेन मकसद हो जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो भी आप अपने आधार कार्ड के फेस दिखाकर, यानी कि अपने चेहरा दिखाकर अपने आधार कार्ड पर कोई भी करेक्शन कर सकते हो, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड अपने आधार कार्ड लॉक वेरीफाई अनलॉक भी कर सकते हो अपने चेहरा दिखाकर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आप अपने चेहरा दिखाकर आधार कार्ड की कोई भी करेक्शन कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। इसके लिए इस पोर्टल का नाम रखा गया है आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। दोस्तों अभी इस पोर्टल जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल। तो दोस्तों जैसे इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है, एंड ओके में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दिस साइट कैन बी रीच। तो दोस्तों इस साइट जो अभी रीच नहीं कर पा रहा है, इस साइट जो अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ये साइट प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो दोस्तों इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दोस्तों जैसे इस पोर्टल जो है काम करेगा तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा
कि आधार ऑथेंटिकेशन पोर्टल को हम कैसे यूज में ला सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेगा एंड इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा। चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलते रहेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।